देखो दोस्तों, आजकल इस भाग दौड़ की दुनिया में सभी लोग बिजी हैं और इतने मस्त हैं कि एक दूसरे की फिक्र नहीं है। ऐसा ही कुछ हादसा हुआ था बीती रात असंध शहर में। एक गौवंश ने एक बुजुर्ग महिला को नीचे पटक दिया और लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। वो बैल आसानी से वहां घूमता फिरता रहा और लोग उस बुढ़िया के पास आराम से बैठे रहे। उस भीड़ से अलग एक शख्स वहां पर पहुंचता है जो इंसानियत की मिसाल पेश करता है। जी हां, एक शख्स जो एक ऐसे संप्रदाय से है जिसे लोग दूसरी निगाह से देखते हैं, शक की निगाह से देखते हैं, और उस शख्स ने उन लोगों की निगाहों को, उन लोगों की धारणाओं को फेल करते हुए साबित कर दिया कि इंसानियत से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं, कोई मजहब नहीं, और सिर्फ इंसान ही एक दूसरे के काम आता है। वैसे तो वहाँ पर सैकड़ों लोग खड़े थे, लेकिन एक शख्स जिस तरह से उस महिला की खातिरदारी में जुट गया, वो ना तो उसका रिश्तेदार था, ना ही कोई उसका सगा संबंधी था, लेकिन फिर भी वो उस भीड़ से अलग क्यों हुआ, क्यों उसने उस महिला की मदद की? क्योंकि वो जानता था कि इंसान ही इंसानियत के काम आता है। अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो आए दिन वायरल होती रहती हैं, लेकिन ये भी एक वीडियो उन्हीं में से एक हो सकती है जब आप इस इंसानियत को जिंदा रखकर इसे शेयर करें। लोग वहां आते रहे और उस बुजुर्ग महिला का हालचाल पूछकर जाते रहे, लेकिन वो शख्स एक गत्ते के टुकड़े को उठाकर उस महिला के ऊपर हवा करने लगता है ताकि उस महिला को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई गर्मी ना लगे। संध के अंदर आए दिन कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है।